नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज हम बात करेंगे मार्वल के टॉप मोस्ट अपकमिंग विलन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे आता है टास्क मास्टर। अब ब्लैक विडो के ट्रेलर से ये तो कंफर्म हो ही गया है कि एंथोनी मास्टर्स यानी कि टास्क मास्टर इस मूवी का मेन विलन है, लेकिन बहुत से रूमर्स और फैन थियोरीज ये भी बताते हैं कि रेड गार्डियन इस मूवी का मेन विलन हो सकता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे टास्क मास्टर की। टास्क मास्टर स्पाइडरमैन और एवेंजर्स का बहुत समय से विलन रह चुका है, जहाँ टास्क मास्टर किसी की भी फाइटिंग स्किल्स को सिर्फ एक नजर मार के कॉपी कर सकता है। अब बहुत लोगों को ये तो पता होगा कि टास्क मास्टर करता क्या है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होगा कि टास्क मास्टर असल में बहुत समय पहले एक शील्ड एजेंट हुआ करता था, जो कि सुपर सोल्जर सीरम के नाजी वर्जन की वजह से अपनी याददाश्त खो देता है। फिर आता है मैंडरिन। अब मैंडरिन को हमने पिछली बार आयरन मैन 3 की मूवी में देखा था, लेकिन वो चोर बाजार के किसी माल से कम नहीं लग रहा था। हालांकि मार्वल ने उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म के साथ उसे टीज भी किया कि मार्वल में मैंडरिन एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब शैंग-ची के अनाउंसमेंट के बाद ये साफ साफ क्लियर हुआ है कि मैंडरिन आने वाला है। मैंडरिन अब बहुत समय से आयरन मैन का विलन रह चुका है, और मैंडरिन को शैंग-ची के साथ देखना बहुत ही अमेजिंग बात होगी, क्योंकि जैसे हमें पता ही है शैंग-ची मास्टर ऑफ कंग फू है और मार्वल के ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक। तो यार उसे मैंडरिन के साथ देखना हम फैंस के एक्साइटमेंट को एक अनदर लेवल पे लेके जाएगा। अब यहाँ हम जिस कैरेक्टर की बात करेंगे उसका नाम है नाइटमेयर। अब नाइटमेयर को हम डॉक्टर स्ट्रेंज के आने वाली मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स में देख सकते हैं, जहाँ ये एक मेजर विलन का रोल प्ले कर सकता है। अब जैसे हमें पता ही है डॉक्टर स्ट्रेंज की ये मूवी एक हॉरर मूवी होने वाली है, तो हॉरर मूवी के लिए नाइटमेयर से अच्छा विलन कोई नहीं हो सकता। अब नाइटमेयर एक ड्रीम डायमेंशन का राजा होता है, जहाँ ये लोगों को बहुत ही डरावने सपने दिखा के उसका मजा लेता है। अब यार मैं यहाँ विलन की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे विलन्स की, द सिनिस्टर सिक्स की, जो कि स्पाइडरमैन की आने वाली मूवी में हमें देखने को मिल सकते हैं। इनिशियली सिनिस्टर सिक्स में क्रेवन द हंटर, मिस्टीरियो, डॉक्टर ऑक्टोपस, वल्चर, सैंडमैन और इलेक्ट्रो होता है, लेकिन अब मिस्टीरियो के मौत के बाद शायद सिनिस्टर सिक्स में उसकी जगह कोई और ले सकता है, और ये मूवी स्पाइडरमैन की एक स्पाइडरवर्स मूवी भी हो सकती है। अब मैं यहाँ सिनिस्टर सिक्स और स्पाइडरवर्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाल ही में आए रूमर्स के हिसाब से स्पाइडरमैन की अपकमिंग मूवी में हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के दोनों ही विलन देखने को मिल सकते हैं, जहाँ इलेक्ट्रो का कैरेक्टर प्ले किया था जेमी फॉक्स ने, वही हैरी ऑसबोर्न का कैरेक्टर एक्टर डेन डेहान ने प्ले किया था। और साथ ही साथ ये भी रूमर्स है कि इस मूवी में हमें एंड्रू गारफील्ड और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक कैमियो भी देखने को मिल सकता है, जो कि अगर सच हुआ तो हम फैन से ज्यादा खुश कोई और नहीं हो सकता। अब हमारा नेक्स्ट विलन आता है बैरन ज़िमो। और ज़िमो को हमने पिछली बार कैप्टन अमेरिका के सिविल वॉर में देखा था, जिसकी वजह से इवेंचुअली सिविल वॉर होता है। अब बैरन ज़िमो एक स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल जीनियस के साथ बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट प्लानर और ऑर्गेनाइजर भी है, जहां हमने इसके प्लान्स को सिविल वॉर में देखा था। लेकिन अब देखना यह है कि बैरन ज़िमो फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में करता क्या है, क्योंकि कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में बैरन ज़िमो सुपर सोल्जर सीरम भी लेता है, वहीं से जहां सिविल वॉर की आखिरी फाइट हुई थी। और इस शॉट में हम उसे अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में भी देख सकते हैं, कैंग द कॉन्करर। अब ऐसी बहुत सी न्यूज है कि एक्टर जोनाथन मेजर्स को कैंग द कॉन्करर के रोल के लिए लिया गया है। अगर आपको नहीं पता तो कैंग द कॉन्करर एक ऐसा विलन है जो टाइम ट्रेवलिंग से डील करता है। शायद ये कैंग द कॉन्करर मार्वल का नेक्स्ट थैनोस भी हो सकता है, क्योंकि यार इससे निपटना अकेले की बस की बात नहीं है, और कैंग द कॉन्करर एक बहुत ही अच्छा विलन साबित होगा। पहले ये रूमर्स आए थे कि कैंग द कॉन्करर को लोकी की टीवी सीरीज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि लोकी को मोस्टली टाइम ट्रेवलिंग करते हुए देखा गया है। लेकिन अब लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से कैंग द कॉन्करर एंटमैन 3 का विलन हो सकता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब मैं जिस विलन या कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ उससे शायद ही एमसीयू को फर्क पड़े, लेकिन मैं इसे इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा विलन है और शायद ये एक सुपर विलन भी है। तो चलिए बात करते हैं मोडॉक की। हाल ही में मार्वल और हुलू ने मोडॉक के अपकमिंग टीवी सीरीज का एक फर्स्ट लुक लॉन्च किया है, जहां ये टीवी सीरीज हुलू जो कि एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उस पर लॉन्च होने वाली है, और ये टीवी सीरीज मार्वल की फर्स्ट अडल्ट एनिमेटेड कॉमेडी सीरीज होगी। हमें जानता हूँ कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि एनिमेटेड है, लेकिन यार मजा तो उतना ही आएगा। अब हमारे टॉप 3 की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब तो कर ही देना इस चैनल को। हमारे टॉप 3 में वो कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में आपने शायद ही सोचा होगा। तो चलिए बात करते हैं एंचेंट्रेस की, जो कि हमें लोकी के टीवी सीरीज में दिख सकती है। हालांकि ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, तो यार उसे भी देख ही लेते हैं। अब जिन्हें नहीं पता तो अमोरा यानी कि एंचेंट्रेस एसगार्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैरेक्टर है, और ये जानी जाती है अपनी हरकतों की वजह से।
जहाँ ये किसी को भी अपने फायदे के लिए सीड्यूस करने की एबिलिटी रखती है। अब सीडक्शन की एबिलिटी के अलावा एंचेंट्रेस एक बहुत ही एक्सपर्ट सॉर्सरर है, जहाँ इसे स्पेल कास्टिंग, एनर्जी प्रोजेक्शन, टेलीपोर्टेशन, फ्लाइट, इल्यूजन्स के अलावा बहुत कुछ आता है। मार्वल ने अब इटर्नल्स के टाइटल को रिलीज करके अब बहुत समय हो चुका है। हमें इटर्नल्स को प्ले करने वाले कैरेक्टर्स के बारे में मालूम तो है, लेकिन अभी तक ये हमें पता नहीं चल पाया है कि इसका विलन कौन हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से इटर्नल का मेन विलन वॉरलॉर्ड क्रो हो सकता है, क्योंकि क्रो कॉमिक्स में इटर्नल का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है। क्रो बेसिकली डेविएंट का मेंबर होता है, जो सेम इटर्नल जैसे ही होते हैं, लेकिन देखने में मॉन्स्टर जैसे। अब क्रो का ये बचपन से सपना रहा है कि वो डेविएंट्स पे राज करके इटर्नल्स को मार गिराए, जो इवेंचुअली उसे इकारिस और बाकी के इटर्नल्स का दुश्मन बनाता है। अब नंबर वन पे आती है वांडा, जो कि खुद के शो की विलन हो सकती है। हाँ यार, ये सुनने के बाद आप लोगों को झटका लग सकता है, लेकिन क्या करूँ, फैक्ट इज फैक्ट। अब जैसे कि सीरीज के ट्रेलर से ये साफ झलक रहा है कि वांडा यहाँ रियलिटी को मैनिपुलेट कर रही है, और जिस हिसाब से इनकी मैरिड लाइफ इतने अच्छे से गुजर रही है, इनके दो बच्चे भी हैं, तो कहीं न कहीं एक समय ऐसा आएगा जब ये सब वांडा के कंट्रोल से बाहर होगा और उसे ये रियलाइज होगा कि वो विजन को ज्यादा समय तक इस नई रियलिटी में फंसा कर नहीं रख सकती, जिसकी वजह से वो हर बार एक नई रियलिटी बनाती है। ऊपर से अगाथा हार्कनेस के सब जगह टांग अड़ाने की वजह से आखिर में विजन को भी ये रियलाइज होगा कि ये सब एक इल्यूजन है, और इस शो में कहीं ना कहीं विजन भी एक इल्यूजन होगा, जिसके बाद वांडा खुद को संभाल नहीं पाएगी, जो इवेंचुअली उसे इस शो का विलन बनाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके यार जल्दी से कर देना। हम वहाँ पे ऐसे ऑसम क्लिप्स और मीम्स अपलोड करते रहते हैं। मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, और तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। लिखा जो भी आया मेरे जीमेल करे, मैंने ईमेल भेजे, मैंने डेमो सारे बस करने लगे, भेजे में था डाउट साला बस कैसे बने, पूरे से तबाही मेरे लश्कर करे, रैप नहीं मैंने रैपर दिए, कभी दिए नहीं एफर्ट दिए, सब करा अकेले जहां 10 जने लगे, आज गाना बजे 10 बार।